पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या FPI क्या है और यह FDI से कैसे अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, iExamBee में आपका स्वागत है। KYC के एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वह है नो योर कॉन्सेप्ट्स, मतलब अपनी अवधारणाओं को जाने, जहाँ हम छोटे से वीडियो में बुनियादी आर्थिक और वित्तीय अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब परिभाषा देखते हैं। FPI तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से हमारे देश के शेयर या बॉन्ड खरीदता है। इसका मतलब है कि विदेशी देश का व्यक्ति मैक्सिमम हिस्सा नहीं खरीदता है या व्यवसाय चलाने में सक्रिय भागीदारी नहीं करता है। वह सिर्फ भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों से शेयर खरीदता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से भारतीय व्यवसायों को विदेशी पूंजी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। आइए FDI और FPI के प्रमुख अंतरों को देखते हैं। FDI में निवेशक बहुसंख्यक शेयर खरीदता है, मतलब मैक्सिमम शेयर्स को खरीदता है, जबकि FPI में निवेश शेयर बाजार के माध्यम से शेयर और बॉन्ड खरीदता है। FDI में निवेशक को एक सक्रिय निवेशक माना जाता है, जबकि FPI निवेशक एक निष्क्रिय निवेशक होता है, क्योंकि उसके पास नियंत्रित शेयर नहीं होते। FDI लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि दीर्घकालिक होता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में विदेशी कंपनी भारी मात्रा में निवेश करती है और बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच स्थापित करती है। हालांकि FPI निवेश को अल्पकालिक माना जाता है, क्योंकि इसे आसानी से निकाला जा सकता है। FDI लंबी अवधि के लिए निवेश लाता है, वे प्रकृति में स्थिर होते हैं। हालांकि FPI व्यक्तिगत निवेशक की मर्जी पर है और FPI से बाहर निकलना FDI की तुलना में अपेक्षाकृत आसान होता है। यही कारण है कि FPI को कभी कभी हॉट मनी के रूप में भी जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे कंटेंट से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।